हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3, चैप्टर का नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेस है। तो देखिए, इसमें हमारे पास है फाइंड द सम्स गिवन बिलो, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एपी सीरीज गिवन थी, बीच में किसके साइन थे? कॉमर्स के साइन थे, लेकिन इसके बीच में किसका साइन आ गया, क्या डिफरेंस हो गया? इनके बीच में किसका साइन है? प्लस प्लस का साइन है। तो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला लगेगा रिक्वायर्ड सम का, वो फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू में a प्लस में l। क्या होता है रिक्वायर्ड सम का? जब हमारे पास बीचे प्लस के साइन हो तो रिक्वायर्ड सम उसको बोलते हैं। रिक्वायर्ड सम हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, n बाई 2 इंटू a प्लस में l। इट मीन्स हमें क्या पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए हमारे पास, a की वैल्यू पता होना चाहिए और l की वैल्यू। अब a तो हमें पता है फर्स्ट टर्म a होती है और लास्ट टर्म हमारे पास 803। L का भी पता है, A का भी पता है। अब हमें निकालना क्या है, N। N आपका कहाँ से निकलता है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। आपको एक फॉर्मूला लर्न होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से हमारे पास क्या निकलता है, एक N निकलता है। एक फॉर्मूला था इसमें, हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगा, N। इनमें जो ए एन और इज इक्वल टू एल, ये सेम चीज होती है। ए एन का मतलब लास्ट टर्म और एल तो है आपका लास्ट टर्म, मतलब जो दोनों होती है वो क्या होती है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म होती है। तो ए एन हमारे पास गिवन है, ए गिवन है और डी हमें पता है। तो यहाँ से देखो, हेयर क्या लिखेंगे, हेयर ए कितना हमारे पास फर्स्ट टर्म 3, डी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 11 माइनस 3 8। और जो ये है, ये हमारे पास कितना है, ए एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 803। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, सॉरी ए एन भी है और लास्ट टर्म भी है। तो फॉर्मूला पुट कर दो, लिखो वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 803 प्लस ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 8। सो 803 इधर आएगा माइनस के 3 इज इक्वल टू 8n और माइनस के 8। तो ये हो गया 800 और इधर आके प्लस के 8 इज इक्वल टू 8n। सो 808 इज इक्वल टू 8n, 808 अपॉन में 8 इज इक्वल टू में n। तो सोल्व करो, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, 8 बन जा 8 0, 8 बन जा 8, n की वैल्यू कितनी आ गई, 101। और जब हमें रिक्वायर्ड सम इनका सम निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या बताया था, n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। तो लिख दो यहाँ से रिक्वायर्ड सम कितना हो जाएगा, n बाई 2 इंटू ए प्लस में l। n कितना है 101 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है 3, प्लस में l कितना है 803। इसको सोल्व कर दो, 101 अपॉन में 2 इंटू में 806, 2 वन जा 2, 2 फोर जा 8, 0 2 3 जा 6, 101 इंटू 403 को मल्टीप्लाई करो। देखो 101 से 304 कितना आ जाएगा, 30704 कितना आंसर आ गया, 40703। क्या डिफरेंस आया था, इसमें हमारे पास माइनस की जगह पे, सॉरी कॉमर्स की जगह पे किसके साइन थे, प्लस के साइन है। इट मीन्स हमें यहाँ से क्या निकालना है, रिक्वायर्ड सम n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। किसे निकाल देंगे, n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। उसके लिए हमें n चाहिए होता है और a की वैल्यू और l की वैल्यू। a हमारे पास गिवन था, l गिवन, बट क्या गिवन नहीं है हमारे पास, n गिवन नहीं था। n कहाँ से निकलेगा, फॉर्मूले से निकलेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वहां से जो ए एन और एल है दोनों की वैल्यू सेम होती है, 803 इसकी वैल्यू, एल की भी और ए एन की भी। तो वहां से एन निकल गया, फिर उस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इनका जो रिक्वायर्ड सम वो कितना आएगा, 40703। अब इसका सेकेंड पार्ट आपको खुद सोल्व करना है, सेम से है। देखो सेकेंड पार्ट में हमारे पास ए की वैल्यू 7 गिवन है, डी की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आएगी 10 7/2 माइनस के 7। उसके बाद आपको वही सेम प्रोसेस करना है, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, वो आपको खुद सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए आपका इसमें है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करनी है। और फर्स्ट में है, इसमें बोला है, इसमें हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी
हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 9725 मस्ट बी टेकन to give a sum of 636. अब यहाँ से देखो आपके पास क्या गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स. इसमें आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू. क्या निकालनी है, n की वैल्यू. इसने कहा नंबर ऑफ टर्म, इट मीन्स आपको निकालना है n की वैल्यू. आपको यहाँ से निकालनी है. अब देखिए फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है हाउ मेनी टर्म्स. अब फिर से इसमें क्या आ गए, आपके कॉमाज आए हैं, प्लस नहीं है, क्या आए इसमें, कॉमा आए हैं. तो देखो एपी सीरीज आपके पास गिवन है 9725 मस्ट बी, और उनका सम कितना गिवन है 636. कितना गिवन है 636. तो सम का फॉर्मूला आपको लर्न होगा, वहां से हमारे पास एन निकल जाएगा. एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ. सबसे पहले लिखो आपके पास क्या क्या गिवन है. हमारे पास ए पता है हमें 9, डी पता है हमें 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 एंड एस एन पता है 636. तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी. सबकी वैल्यू ये 636 एन बाई टू टू इंटू 9 प्लस एन माइनस वन इंटू में 8. सो 636 इज इक्वल टू में एन बाई टू इंटू में 18 प्लस 8 एन माइनस के 8. 636 प्लस एन बाई टू, सॉरी 636 इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू में 18 माइनस 8 10 प्लस में 8 एन. सो ये आ गया 636 इज इक्वल टू में जो 2 है इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड में ऐसा हो जाएगा क्या, एन इंटू में 10 प्लस में 8 एन. इसको करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 6 जा 12 इज इक्वल टू में 10 एन प्लस में 8 एन का होल स्क्वायर. क्या आ गया, 10 एन प्लस में 8 एन का होल स्क्वायर. तो देखो इसको ले आओ इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा, 8 एन का स्क्वायर प्लस 10 एन, इधर माइनस का हो जाएगा माइनस 2712 इज इक्वल टू में 0. अब आपको देखो कॉमन आ रहा है कुछ, उनसे कॉमन ले लो, कॉमन आ रहा है कुछ, टू टू कॉमन आ जाएगा. कितना बचेगा यहाँ से, 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 6. तो बचेगा यहाँ से 4 एन का स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 636 इज इक्वल टू में 0. अब आपको इसके फैक्टर बनाने हैं. फैक्टर क्या बनेंगे आपके, देखो इसमें है 53 एन और 48 एन. 636 इंटू में 4 6 24 4 3 12 4 6 24 4 3 24 4 6 24 1 25. मीन्स आपको जब इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 5 4 4, तो आपको ऐसे नंबर लेने हैं. दो जब उनको मल्टीप्लाई करे तो 2 5 4 4 आए, और जब माइनस करे तो 5 4 आए. तो आपके पास हो जाएंगे 5 5 4 एन का स्क्वायर प्लस के 58 एन, और माइनस के हो जाएंगे यहाँ से, मैं लिख रही हूँ आप सोल्व करके देख लेना, 53n माइनस के 48n माइनस के 636 इज इक्वल टू में 0. आप क्या कर सकते हो, इसका एलसीएम ले लो. कैसे निकाल सकते हो, इसका एलसीएम ले लो 2 5 5 4 4. अब जो नंबर आएंगे एलसीएम लेने के बाद, उसको क्या करो, नंबर को इस टाइप में एडजस्ट करो कि हमारे आपके पास क्या क्या नंबर आ जाए, 53 और 48. अब देखो यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4n कॉमन आए, सॉरी n कॉमन आए, क्या बचेगा 4n प्लस में 53, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास, ये आएगा 48, तो 12 कॉमन आ जाएगा. 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 4n माइनस माइनस प्लस, और ये बचेगा आपके पास 12 5 16, 12 यानी 53 इज इक्वल टू 62. तो ये आ गया n माइनस 12 एंड 4n प्लस में 53 इज इक्वल टू में 0. सो n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, सो नंबर ऑफ टर्म्स 12n, n की वैल्यू आएगी एक तो 12 और एक n की वैल्यू आएगी 53 माइनस के 53 अपॉन में 4. माइनस हम नहीं लेंगे तो कितनी आएगी n की वैल्यू, 12 माइनस सेटिस्फाइड होगी, नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में नहीं आएगी, कितनी आएगी 12. तो सेकेंड क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम ऐसा ही है कि हमारे पास सम दिया हुआ है 693, एस एन गिवन है, ए गिवन है, और डी हम निकाल लेंगे. फिर उससे फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे. सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखो आपके पास इसमें आएगा, मैं बता दूं आपको 136.
आपके पास क्या आएगा इसमें 136 ही नहीं बच्चे, इसमें आएगा आपका 462। आपको 462 के फैक्टर बनाने, तो इसके फैक्टर बनेंगे 21 और 22। इसके फैक्टर बनेंगे 21 और 22, मैं आपको लिख दे रही हूँ इसमें कि 21। इसके सेकंड पार्ट के फैक्टर बनेंगे 21 एंड 22। आपको करना, आपको क्या करना है कि फैक्टर क्या बनेंगे इसके 21 और 22। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।